हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैम छो, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज एकदम मस्त मौसम है, बारिश तो बिल्कुल नहीं आ रही है लेकिन एकदम क्लाउडी है मौसम। देखो पूरे में बादल छाए हुए हैं और अभी मेरा एक गमला जो है ना, इसके अंदर 3 एलोवेरा के पौधे हैं, तो इसे गमला शायद छोटा पड़ रहा है और बाकी पौधे इतने मेरे अभी ख़राब हो गए और नर्सरी में जाने मिलेगा कि नहीं पता नहीं है। तो इसमें से एक निकाल कर, मैं एक मटका पड़ा है मेरे पास छोटा सा, जब हम यहाँ पर रहने आए थे ना तभी क्या रहो कुंभ रखते हैं ना, उसके लिए लिया था छोटा सा, तो उसके अंदर एक एलोवेरा को डाल देती हूँ। ये यहाँ पर घर के बाहर देखिए कितने मस्त से हैं, ये एक मैंने निकाल लिया है इसमें से। और ये जो बड़ा सा गमला है ना, इसमें भी काफी अच्छी बेल है, तो इसे भी मैं थोड़ी सी निकाल लूंगी। मम्मी बना रहे हैं मलाई से छाछ, मतलब कि मक्खन निकाल रहे हैं और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मक्खियाँ आ गई है, कितनी भी सफाई करो जा ही नहीं रही, अभी बारिश के बाद बहुत ज़्यादा आ गई यहाँ पर, सब जगह पर मक्खियाँ ही मक्खियाँ दिखती है। ये देखिए गाइस, सोनू ने क्या किया, यहाँ ऊपर, यहाँ से ऊपर चढ़ रहा था, मैंने भी धक्का मारा उसे जाना था, तो फिर ऊपर चढ़ के टोकरी को पकड़ के खींचा तो पूरा टोकरी को लेकर आया नीचे। अभी देखो कितना खुशहाल है, वो टोकरी मिल गई है उसे, सारा जो भी था टोकरी के अंदर सब कुछ गिरा दिया है। अभी खुद वो छिपकर बैठा है, देख रहा है। सोना शोना, आजा, आजा। ये बहुत ज्यादा खुश हो गया, इसे ये टोकरी चाहिए थी बैठने के लिए। ये मम्मी की साड़ी है जो अभी अभी ली थी, इसमें भी फॉल और पीको करवाना है, ब्लाउज स्टिच करवाना है। तो फॉल मेरे पास कुछ पुराने रखे हुए हैं, तो मैं देख लेती हूँ अगर इसमें से कोई मैच हो जाए तो। ये 2 फॉल हैं, तो मुझे लगता है ये वाला चलेगा, ये वाला चल जाएगा इसके साथ। ये सारी फॉल पुरानी साड़ियों से निकाली हुई रखी हुई है, अब इसका ब्लाउज भी स्टिच करवाना है तो मैं दे दूंगी, तो वो खुद ही कट कर लेंगे और स्टिच करके दे देंगे। आ जाए, सुबह से कुछ अच्छा मूड नहीं आया, कुछ काम नहीं किया है, तो मूड फ्रेश करने के लिए पति देव को थोड़ी सी मसाज करके दो, तो खुद का मूड भी हो जाएगा फ्रेश और इनका भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना? इन्हें बहुत मजा आ रहा है। चालू रखो, कंटिन्यू। ये देखिए, सोनू को मानवीर के साथ नहीं खेलना, लेकिन मानवीर को सोनू के साथ खेलना है। सोनू ऊपर चढ़ गया था फिर भी पकड़ के ले आया। और ये चिड़िया को देखो, सोनू को देख देख के चिल्ला रही है। मानवीर कराटे गया था, कराटे क्लासेस से वापस आया, पहले ट्यूशन गया था फिर ट्यूशन से डायरेक्ट कराटे क्लासेस, तो अभी थक गया है ना मानवीर,
पर मानवीर की अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है तो अभी देखो कितना पतला हो गया, पहले तो एकदम मोटू बन गया था। क्या है मानवीर ये? यूनिफॉर्म है, कराटे का यूनिफॉर्म मिल गया है मानवीर को। सोनू भी देखने आ गया है, सोनू आ जा। ये पैंट है मानवीर का और ये बेल्ट है वाइट और ये ऊपर का पहन के देखना है, तो दिखाया था सर ने। अब जब पहन के जाएगा मानवीर तभी दिखाएगा, है ना मानवीर? अभी मम्मी आटा गूंद रहे हैं और खिचड़ी भी बना दी है मम्मी ने, अब मुझे बस रोटली बनानी बाकी रहेगी। सोनू को दूध पीना है तो पीछे पीछे घूम रहा है। ये ऊपर से चेतन आ रहे हैं तो देख कर डर रहा है, भाग गया। सोनू दूध पीतो तो मैं आव्या एटले ही भागी गयो। आजा सोना, सोना આટલું પી, આનથી એક ચમચી વધારે આપીશ તો એઠું મૂકશે। સોનુ ડર લાગ રહા હે, કોણ આ ગયા? गाइस अभी मुझे वॉकिंग करने जाना था, चेतन जा रहे थे तो उसके साथ, लेकिन मानवीर ने बोला कि उसे भूख लगी है तो मैं उसके लिए रोटियां बनाने लगी नई ताज़ा। तो तब तक चेतन गुम हो गए हैं, फ़ोन कर रही हूँ तो फ़ोन भी एंगेज आ रहा है, पता नहीं मतलब शायद उसके फ्रेंड का फ़ोन आया होगा, तो अभी उसकी धार्मिक बातें चल रही होंगी तो एक एक घंटा डेढ़ डेढ़ घंटा उसके फ़ोन पर बातें चलती रहती है। इतनी ज़्यादा बातें तो वो मुझसे भी नहीं करते हैं जैसे कोई गर्लफ्रेंड का फ़ोन आया हो वैसे। अभी वो नीचे मैं देख कर आई, वहाँ पर तो नहीं है, तो अभी मैं यहाँ ऊपर जा रही हूँ उन्हें देखने के लिए। वैसे तो अभी मैं ऊपर नहीं जाती हूँ लेकिन आज चलो ये रिस्क लेते हैं और मैं जा रही हूँ ऊपर। चलो मिल गए, खोए हुए इंसान मिल गए। अभी देखो बारिश आई है तो टेरेस कितना एकदम मस्त क्लीन हो गया है, ये तो इतना ज़्यादा कचरा रहता है ऊपर, यहाँ पर पूरे कबूतर बैठ जाते हैं, ये जो पूरा सोलार लगा हुआ है ना वहाँ पर। अभी इनकी बातें सुनिए। अभी तो बोलेंगे नहीं, ऊपर से देखिए पीछे गौशाला है, और ये जो चिड़िया के लिए लेकर आए थे उसे यहाँ पर लगा दिया है ऊपर। अभी मैं यहीं पर वॉकिंग कर रही हूँ क्योंकि काफी बड़ा टेरेस है, इनका फोन तो अब खत्म होने वाला नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, आज आपका होस्ट बदल गया है। देखिए यहाँ पर हो रही है खाने की तैयारी और क्लीनिंग, क्लीनिंग भी साथ में, और यहाँ देखिए मानवीर कर रहा है होमवर्क, ये उसकी स्पेशल स्टाइल है होमवर्क करने की, देखिए। और पापा सुप्त समाधि से अभी अभी जागे हैं, मम्मी कर रही है प्रभु की माला, जय जय सियाराम, जय श्री कृष्ण राधे श्याम। और खाने में आज भी है खिचड़ी, मानवीर को रोज रोज नया चाहिए, तो कल तो मैगी बना कर दी थी लेकिन अभी मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं आ रहा है कुछ नया बनाने का। अगले दिन ब्रेड बनाई थी और कल मैगी बना कर दे दी थी, बाकी डेली खिचड़ी ही होती है।
सो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। और इनको देखो, एक बार तो सोकर उठ गए, अभी फिर से सोने लगे हैं, हम लोग एक बार भी नहीं सोए हैं। तो इस वीडियो का यहीं पर करते हैं एंड और अब सो जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।